बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं मोहम्मद कमरुज़्ज़मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरीज़ इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। व्यूअर्स, आज का हमारा लेक्चर के जो टॉपिक है वो है कैपेसिटर टेस्टिंग, कि कैपेसिटर्स को हम किस तरीके से टेस्ट करते हैं, कर सकते हैं। तो हमने आज का ये जो टॉपिक रखा है लेक्चर का, इसकी एक ख़ास वजह ये भी है कि हमारे एक व्यूअर्स हैं, उन्होंने 2 दिन पहले जो है मुझे कमेंट किया। वो ये वाली वीडियो हमारी देख रहे थे, मैस टेक का जो हमने के वीडियो बनाई थी एसीडीसी क्लाइमेटर का, वो उन्होंने 2 दिन पहले इसको वॉच किया है। वॉच करने के बाद उन्होंने कमेंट किया है, प्लीज़ सर इस पर नेक्स्ट वीडियो बनाएं जिसमें हर्ट्स, कैपेसिटर और डीसी एम्पेयर चेक करते दिखाएं। तो हमने फिर ये प्लान किया कि ठीक है, हम इसके बारे में वीडियोस बनाते हैं। कुछ एक दो वीडियो मेरी पहले बन चुकी हैं जो स्पेसिफिक नहीं थी, लेकिन उसमें वो चीज़ें दिखाई हैं। मिसाल के तौर पे उनको फिर मैंने ये जवाब में ये लिंक भेजा कि एम्पेयर मीटर, जो डिजिटल मल्टीमीटर है, उसके ज़रिए करंट चेक करने की वीडियो ये वाली मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद क्लैम मीटर से एसी और डीसी करंट करने की भी, करंट चेक करने की भी एक वीडियो मैंने दी है, उसका लिंक मैंने इनको दिया, भेज दिया। उसके बाद फ्रीक्वेंसी भी चेक करने का मैंने ऑसिलोस्कोप की 2 वीडियोस उनको मैंने रेफर की, लेकिन फ्रीक्वेंसी के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा स्पेशल फ्रिक्वेंसी के लिए। तो ये उनको मैंने लिंक भेज दिए थे, लेकिन कैपेसिटर जो है चूंकि बहुत अहम कंपोनेंट है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला कंपोनेंट है, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं, तो इसलिए मैंने ये मुनासिब समझा कि इसके ऊपर एक तफसील से वीडियो बनाकर आपको दिखाई जाए, आपको समझाया जाए। तो हमने इसलिए आज ये वीडियो का एहतमाम किया है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, होती है मेरी वीडियो लंबी, लेकिन बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन आप ये जहन में रखिए कि ये वीडियोस बनाने के लिए मुझको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मुझे रातों को जागना पड़ता है, पूरी पूरी रातों को जागता हूँ, मुझे इक्विपमेंट, मुझे इसके टूल्स और इसके जो कंपोनेंट्स, मुझको इनको अरेंज करना होता है, उसके बाद इनको तरतीब में लगाना होता है। यानी कि यूँ समझ लीजिए बहुत मेहनत से ये वीडियोज़ मैं बनाता हूँ। तो आपसे गुजारिश है कि इनको समझने की कोशिश करें, ये आपके बहुत काम आने वाली है। तो बहरहाल हम जाते हैं अपनी लेक्चर की तरफ। तो कैपेसिटर टेस्टिंग करने के जो कुछ 4-5 जो स्टेप्स हैं वो हम आपको जो दिखाएंगे, फिजिकल इंस्पेक्शन, किस तरीके से हम उसको चेक करते हैं कैपेसिटर को, सबसे पहले बगैर चेक किए हुए सिर्फ देखने से आप उसको देख सकते हैं कि कैपेसिटर फटा हुआ तो नहीं है, कहीं से लीकेज तो नहीं है, कहीं अगर इन सर्किट है कहीं हीट तो नहीं हो रहा, हीटअप होने को निशानात तो नहीं मिल रहे हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं कि कैपेसिटर को निकाल के आउट ऑफ सर्किट करके उसको चार्ज करके चेक करते हैं कि चार्ज हो रहा है अप टू इस नॉमिनल वोल्टेज या नहीं चार्ज हो रहा, और चार्ज हो रहा है तो कम वोल्टेज पे तो चार्ज नहीं हो रहा। उसके बाद फिर हम देखते हैं उसको डिस्चार्ज करके कि ऑटोमेटिक वो स्लो डिस्चार्ज हो रहा है, फास्ट डिस्चार्ज हो रहा है, वगैरह वगैरह, ठीक है, ये देखते हैं। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि जो पुराने पहले जो एनालॉग ओहम मीटर होते थे सुई वाले, उसके ज़रिए भी हम एक रफ चेकिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम उसकी कैपेसिटेंस चेक करते हैं कैपेसिटर की, कि कैपेसिटेंस इसकी कितनी है, किस वैल्यू का है, आया उसकी कैपेसिटेंस विद इन रेंज है या नहीं है। इसके लिए हम डिजिटल मल्टीमीटर यूज़ करते हैं और इसके अलावा कैपेसिटेंस मीटर भी यूज़ करते हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये सब तमाम चीज़ें आपको करके दिखाएंगे। उसके बाद जो आखिरी और अहम और इम्पॉर्टेंट और एक्यूरेट जो तरीका है वो ESR टेस्टिंग का। ESR टेस्टिंग जो है ESR मीटर से होता है, ESR से बनता है, इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस। इससे हम इन सर्किट भी टेस्टिंग कर सकते हैं, तो हम आपको ये भी दिखाएंगे। तो ये तमाम स्टेप्स हम आपको फॉलो करके दिखाएंगे। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत कुछ इस वीडियो में समझने को, सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम आपको ये दिखाते हैं कि हम कौन कौन से जो है वो टूल्स या इक्विपमेंट, टेस्ट इक्विपमेंट कौन कौन से हम यूज़ करने वाले हैं। ये देखिए, ये हमारा मीटर है जिसको हम एनालॉग मल्टीमीटर कहते हैं, सानवा का है, मेड इन जापान, इसका हम इंट्रोडक्शन पहले दे चुके हैं आपको। तो इससे हम जो है कि रफली टेस्ट करके बताएंगे आपको कि किस तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं कैपेसिटर को। उसके बाद क्लैम मीटर,
ठीक है, जिसकी वीडियो देख के उन्होंने हमें कहा है कि अभी कैंडीज के बारे में बताएं, ये क्लैंप मीटर के अंदर देखिए ये ऑप्शन है कैपेसिटर का, इसको यहाँ पर हम कैपेसिटेंस चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो है डिजिटल मल्टीमीटर, ये मीटर आप देखते रहते हैं, अमूमन मैं यूज़ करता हूँ अपनी वीडियोज़ के अंदर, इसके अंदर भी फंक्शन है हमारा कैपेसिटर का, ये वाला देखिए, ठीक है, ये स्पेशल इसने मोड दिया है। उसके बाद जो है हमारे कैपेसिटेंस मीटर आ जाते हैं, ये कैपेसिटेंस मीटर है, ये मेरे पास तकरीबन 10-15 सालों से मेरे पास है, पुराना मॉडल है लेकिन अभी तक ये चल रहा है, इसकी भी ये रेंजेस है कैपेसिटेंस को टेस्ट करने के लिए, ये हम आपको यूज़ करके दिखाएंगे। इसके अलावा एक नए मॉडल का ये कैपेसिटेंस मीटर है, मैशटेक कंपनी का है, इससे हम आपको चेक करके दिखाएंगे। और उसके बाद ये हमारा जो है एसएमडी टेस्टर है, अगर एसएमडी कैपेसिटर्स आपने चेक करने हैं तो वो आप इससे चेक कर सकते हैं। और आखिर में जो है वो आ जाता है हमारा ईएसआर मीटर, ये ईएसआर मीटर है, इसको हम आपको चेक करके बताएंगे कि इससे किस तरीके से चेक करते हैं। और इतने सारे आपको जो मैंने ये इक्विपमेंट दिखाए हैं, टूल्स दिखाए हैं, टेस्ट इक्विपमेंट दिखाए हैं, ये तमाम के तमाम ऑलमोस्ट मैंने एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक्स से ख़रीदे हैं, जो कि कराची के अंदर शॉप है, इसका एड्रेस आप देख सकते हैं, शॉप नंबर 4 सरमद सेंटर, सरमद रोड, सदर कराची, इनके टेलीफोन नंबर ये लिखे हुए हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं। तो इनके इनके पास जो है ये बहुत इक्विपमेंट, टेस्ट इक्विपमेंट के अंदर स्पेशलाइज्ड हैं, और आप यहाँ से ये परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं फिजिकल इंस्पेक्शन के हवाले से कि क्या कोई कैपेसिटर जो है वो फूला हुआ तो नहीं है, फटा हुआ तो नहीं है, ये हम पहले भी वीडियोस में आपको दिखा चुके हैं, लेकिन फिर दोबारा चूंकि स्पेशल टॉपिक है, ये देखिए ये जो कैपेसिटर हैं, ये देखिए साइड्स में अगर दिखाऊं तो ये आपको फूले हुए नजर आएंगे, ये आपको उसके ऊपर ब्लैक जो है वो इसके अंदर आपको ब्लैक स्पॉट भी नजर आएगा, जो कि इसके अंदर से इसका इलेक्ट्रोलाइट जो है वो निकला है ब्लैक, ठीक है। इसके अलावा ये भी फूला हुआ है और फटा हुआ भी है, ये तीनों कैपेसिटर्स जो है ये फटे हुए हैं। आमतौर पर कैपेसिटर्स जो है ये ऊपर जो है ये ऊपर से फ्लैट होते हैं, बिल्कुल फ्लैट होते हैं, ठीक है। और ये कट इसलिए लगा होता है ताकि अगर ये ओवर वोल्टेज हो या इसमें ज्यादा हीट की वजह से फटना हो इसने, तो ताकि ये आराम से यहाँ से फट सकें। तो ये है, इसको हम कहते हैं पॉपिंग, पॉपअप होना या पॉप होना, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको फिजिकल विजुअल इंस्पेक्शन से देख सकते हैं कि कोई कैपेसिटर फटा हुआ तो नहीं है। उसके बाद ये कैपेसिटर देखिए, ये एक 2.2 UF का है, 400 वोल्ट DC का, तो इसके अंदर भी देखिए ये कैपेसिटर हमारा फटा हुआ है। इसी तरीके से आपको एक कैपेसिटर और दिखाते हैं, ये देखिए ये एक कैपेसिटर है 103, इसकी वैल्यू है और ये 3 KV का है, ठीक है। यानी 3 KV का मतलब है कि 3000 वोल्ट का ये कैपेसिटर है, ये भी बेचारा फटा हुआ है, ये देखिए ये भी फटा हुआ है। तो 3000 वोल्ट का जो कैपेसिटर है वो भी फटा हुआ है, और इस तरीके से आप इनको देख सकते हैं। उसके बाद ये कैपेसिटर देखिए, एक बड़ा कैपेसिटर है CD135, 400 वोल्ट का है और 5600 UF का है, इसको अगर आप देखें, ठीक है, तो ये देखिए ये यहाँ से फटा हुआ है, ये एक 90 किलोवाट के इन्वर्टर में लगा हुआ था और वहाँ पर ये फटा है। इसके अलावा यही कैपेसिटर की एक और, जिस तरह के इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स के अंदर एक कट बना होता है ताकि अगर उसने फटना हो या पंक्चर होना हो, तो ये बड़े कैपेसिटर्स के अंदर इन्होंने ये एक होल सा दिया हुआ होता है कि अगर कोई चीज़ निकलनी हो तो यहाँ से निकल सकती है, ठीक है। अब मैं आपको ये होल दिखाता हूँ दूसरे कैपेसिटर के अंदर, जो कि पंक्चर होया हुआ, ये देखिए इसके अंदर सुराख होया हुआ। तो ये जो चीज़ें थी, ये इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपके जो कैपेसिटर्स वगैरह हैं वो फिजिकली देखने से, विजुअली देखने से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अमूमन आपको बाद का चीज़ें वहीं से पता चल जाती हैं कि कैपेसिटर ठीक नहीं है। देखिए एक 22 UF का कैपेसिटर है, छोटा सा कैपेसिटर है और ये 450 वोल्ट का है,
इसको हम जो है वो चार्ज करते हैं और चार्ज करके देखते हैं कि इसकी क्या पोजीशन है। तो चार्जिंग के लिए ये है कि कैपेसिटर के लिए ये हिदायत है कि आप उसके जो ये मैक्सिमम वोल्ट हैं इससे ज़्यादा वोल्टेज आप इसको ना दें। अगर इससे ज़्यादा वोल्टेज देंगे तो ये फट सकता है। तो ये अमूमन जो अगर 450 वोल्ट इस पे लिखा हुआ है तो इसको आप 350 पौने 400 वोल्ट तक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 450 वोल्ट तक यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको जो है वो वोल्टेज देंगे इसको चार्ज करने के लिए। चलिए, हमने जो है अभी हमने पावर दी है अपने ट्रांसफार्मर को और रेक्टिफायर को, और हमने उसे डीसी बनाई है। हम आपको बताते हैं कि कितने हम इसको पावर दे रहे हैं। इसको हम 200 वोल्ट एसी दे रहे हैं, ठीक है, 200 वोल्ट एसी। और इससे हमारी जो डीसी बन रही है वो चेक करते हैं कि कितनी। ये देखिए, डीसी हमारी जो बन रही है वो बन रही है 280 वोल्ट। इसको हम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, 336 वोल्ट, दैट इज़ एनफ, ठीक है, ये काफ़ी है। और हमारे एसी कितने हैं? एसी हमारे हैं तकरीबन 240। चलें, इसमें मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूं कि एसी से डीसी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखिए, एक फार्मूला है एसी से डीसी बनाने के लिए कि आप जितने भी वोल्ट एसी के हों उसको 1.414 से मल्टीप्लाई करें तो आपके डीसी वोल्ट आ जाएंगे। तो इस वक्त हमारे जो हैं वो डीसी वोल्ट हैं, इसको हम पहले डीसी पे रखेंगे, ठीक है, ये हमने इसको डीसी पे रखना है। और ये चेक किया, ये 336 337 वोल्ट है। और एज अ सेफ्टी मेजर आपको ये मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि आपने ये हाई वोल्टेज हैं, ये आपको करंट लग के आपकी जान को ख़तरा हो सकता है, तो आपने इसको बहुत एहतियात से और सेफ्टी के अंदर रहते हुए करना है। मैं भी अभी इसको चेक कर रहा हूँ तो मैंने अपने पाँव के नीचे रबर का मैट रखा हुआ है। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि हाई वोल्टेज को चेक करने के लिए, उनको डील करने के लिए सेफ्टीज को लाजमी मलहूज़े खातर आपने रखना है। ओके, अब हमने 337 वोल्ट जो ये रखे हैं वो इसलिए रखे हैं कि हमारे पास ये कैपेसिटर है जिसको हमने चार्ज करना है 22 UF 450 वोल्ट का। इसको हम 450 वोल्ट तक इसको हमने चार्ज करना है। और किसी भी कैपेसिटर को आप इससे ज़्यादा वोल्ट नहीं दे सकते, अगर देंगे तो वो ख़राब हो जाएगा, फट जाएगा। तो इसलिए आप इस 450 के वोल्ट के कैपेसिटर को 400 वोल्ट, पौने 400 वोल्ट, 350 वोल्ट तक आराम से यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल हमारे पास जो है वो 337 वोल्ट हैं तकरीबन, तो हम इसको चार्ज करेंगे। और चार्जिंग के लिए भी ये है कि एहतियात के इसको आपने डायरेक्ट चार्ज नहीं करना, क्योंकि कैपेसिटर के अंदर बहुत हाई स्पीड सर्ज करंट आता है। तो उसके लिए ये है कि आप कोई रेजिस्टर यूज़ कर सकते हैं चार्जिंग के लिए। हमने जो है एक अदद बल्ब रखा हुआ है 100 वाट का, ये वाला बल्ब हम इसके थ्रू चार्जिंग करेंगे, ठीक है। तो इसके थ्रू हम चार्जिंग करेंगे और इसको सीरीज में लगाएंगे। ये हम इसको ऐसे करते हैं कि यहाँ पर नेगेटिव, बल्कि नेगेटिव हम ये वाला, अभी ख्याल रखना है कि इसके अंदर हमारे वोल्टेजेस हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको नेगेटिव दे दिया और उसके बाद नेगेटिव से हमने इस बल्ब को दे दिया। बल्ब के थ्रू ये हमारे वोल्टेज आए और आके इसको हमने चार्ज करना है। ये इवन देन बल्ब के थ्रू भी थोड़ा सा स्पार्क हुआ है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसके ऊपर कितने वोल्ट आए, इसको चेक करते हैं। ये ऑलरेडी डीसी पे रखा हुआ है, इसको हम चेक करते हैं कि इस वक्त कितने वोल्ट हमारे चार्जिंग पे आए हैं, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव सा लगाया, मीटर हमारा ये रहा, और पॉजिटिव के साथ, ठीक है, 332। ये वोल्टेज में वेरिएशन होती है, बहरहाल तो 332 वोल्ट जो है हमारे इसको हमने दिए हैं कैपेसिटर को। और हमने चार्ज कर देखना है, चेक करना है
कि उसके बाद ये कितने वोल्ट इसमें रहते हैं। तो हम चार्जिंग इसकी हटा लेंगे, ये हमने इसका जो है वो पॉजिटिव हटाया, यहाँ इसको सिक्योर कर दिया और ये यहाँ से हटा के नेगेटिव वाला साइड पे रख दिया। अब इसको हैंडल करने के लिए आपने बहुत एहतियात करनी है, इसको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना और इसको हम फौरन चेक करते हैं कि हमारे इसमें कितने वोल्टेज हैं और कितने वोल्टेज आस्ता आस्ता इसमें हो रहे थे, 3 से 2, ठीक है, 3 से 2 वोल्ट हमने दिए थे और ये आराम आराम से डिस्चार्ज हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये कैपेसिटर ठीक है, बहुत रैपिडली एकदम से, एक तो इसने चार्ज पूरे किए हैं, वोल्ट पूरे चार्ज किए हैं, और दूसरी बात ये है कि डिस्चार्जिंग भी स्लो स्लो हो रही है, आराम आराम से हो रही है। अगर एकदम से डिस्चार्ज हो जाता तो तब भी ये कैपेसिटर ख़राब था या चार्ज ना करता, यानी कि हमने इसको 3 से 2 वोल्ट दिए थे और ये पता चलता कि हम जो ही चेक करते तो ये 100 150 वोल्ट देता, तो तब ये कैपेसिटर ने ख़राब होना था। ओके, अब हम ऐसे करते हैं कि अपने जो डीसी सप्लाई इसको बंद कर देते हैं, ऑफ करने के बाद हम अपना जो है इसको डिस्चार्ज करते हैं, और डिस्चार्ज करने के लिए हमने यूज़ करना है, हमने बल्ब, बल्ब के थ्रू इसको हम डिस्चार्ज करेंगे। ये हमारे बल्ब की लाइनें हैं, ठीक है, इसको हम साइड पे कर लेते हैं और ये हमने इसको डिस्चार्ज कर दिया, ठीक है। डिस्चार्ज करने के बाद हम ऐसे करते हैं कि हमारे अपने पावर सप्लाई को भी डिस्चार्ज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि वो भी डिस्चार्ज हो जाए, ठीक है, वो भी हमारी डिस्चार्ज हो गई, अभी हम लोग सेफ हैं। ओके, उसके बाद एहतियातन फिर दोबारा इसको आप चेक कर लें कि इसके अंदर कोई वोल्टेज मौजूद तो नहीं है कैपेसिटर के अंदर, हाथ लगाने से पहले। ये हमारे डीसी हैं, ये हमारा नेगेटिव है, और ये देखिए चेक करें इसमें वोल्टेज 4 वोल्ट अभी भी हैं। तो इनको 4 वोल्ट को ख़त्म करने के लिए, 4 वोल्ट को ख़त्म करने के लिए हम इसको शॉर्ट करते हैं, ये देखिए हम इसको ये शॉर्ट कर दिया, ठीक है, इसको शॉर्ट कर दिया और इसके अंदर वोल्टेज ख़त्म हो गए। ओके, अब हम जो है इसको टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के लिए हम इसी मीटर को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम रखते हैं कैपेसिटर के ऊपर, ये देखिए इसको हम लेके जाते हैं कैपेसिटर के ऊपर, ठीक है, ये अभी हमारी कैपेसिटेंस रीड करेगा, और ये जो कैपेसिटर है हमारा ये है 22 UF का, ठीक है, ये हमारा कैपेसिटर है। इसमें मेक श्योर करना है कि वोल्टेज ना हो, जो कि हम मेक श्योर कर चुके हैं। इसको देखिए हमने यहाँ से नेगेटिव को नेगेटिव पे लगाया, ठीक है, और पॉजिटिव को पॉजिटिव पे लगाया, लेकिन आपको मीटर नज़र नहीं आ रहा, ये देखिए ये हमने लगाया, और उसके बाद थोड़ी देर आपने इसको इंतज़ार करना है, देखिए 21.94 UF, ठीक है, और ये है किस कितनी वैल्यू का, 22 UF। और उसके बाद मैं आपको ये बता दूँ उसका पता कैसे चलेगा कि ये सही है या ख़राब है। ये देखिए इसमें ये लिखा हुआ है वोल्ट आगे 450 वोल्ट, 22 UF, 105 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर है, और एम का जो मतलब है, एम का मतलब है ये इसकी टॉलरेंस है, और एम की जो टॉलरेंस है वो है 20% प्लस माइनस 20%। ये आपको थोड़ा सा हम दिखा देते हैं, ये देखिए ये हमने इसमें कुछ जो है वो लिख के रखी हुई है आपके बताने के लिए। अगर टॉलरेंस में एफ लिखा हो तो वो प्लस माइनस 1% होता है, जी हो तो प्लस माइनस 2%, जे हो तो प्लस माइनस 5%, के हो तो प्लस माइनस 10%, और एम हो तो प्लस माइनस 20%। आमतौर पर जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स आते हैं, आमतौर के ऊपर फिल्टर कैपेसिटर्स जो होते हैं वो एम के होते हैं, यानी कि प्लस माइनस 20% के होते हैं। तो आपको यहाँ से इस परसेंटेज से अंदाज़ा होगा कि कैपेसिटर ठीक है या नहीं। इसी तरीके से जो हमारे क्लैंप मीटर हैं, क्लैंप मीटर से चेक करते हैं इसी को, ये हम क्लैंप मीटर को लेकर आ गए, देखते हैं। और फिर दूसरी बात ये है कि जो स्पेशली जो मीटर्स होते हैं उनकी थोड़ी बहुत कैलिब्रेशन के अंदर फ़र्क होता है, तो अगर थोड़ा बहुत फ़र्क आए तो उसको हम देख सकते हैं।
और ये मुख्तलिफ मीटर्स मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि किसी साहब के पास कोई मीटर हो सकता है और किसी के पास कोई हो सकता है, तो इसलिए तमाम मीटर्स को हम चेक कराते हैं। ये देखिए, इसको हमने कैपेसिटर पे रख लिया और हमने इसकी जो है वो सिलेक्शन करते हैं कैपेसिटर के ऊपर, डायोड ये हमारा कैपेसिटर के ऊपर इसके आ गया। ठीक है, फिर हमने वही करना है कि इसको हमने पहले शॉर्ट करना है, ठीक है, ताकि किसी किस्म के वोल्टेज इसमें ना हो, और उसके बाद इसको चेक करना है। देखिए पॉजिटिव नेगेटिव, और ये थोड़ा सा इंतज़ार करें। ये देखिए अभी भी मज़ीद इंतज़ार करना है, अपने इसको 178 ना देखें, ये देखिए 22.71 UF। ठीक है, तो आपने इसको थोड़ी देर इंतज़ार करके रखना है। ओके, उसके बाद फिर हम आपको चेक कराते हैं कैपेसिटेंस मीटर के ज़रिए। ये देखिए, ये हमारा जो मीटर है कैपेसिटेंस मीटर DT9213 काफ़ी पुराना है, इसको हम चेक करते हैं। इसके ज़रिए इस कैपेसिटर को टेस्ट करते हैं 120 UF 420 वोल्ट। तो इसके लिए भी एहतियात ये है कि तमाम के तमाम आप मीटर्स को सेफ्टी के लिए और एग्जैक्ट एक्यूरेट उसकी रीडिंग के लिए आप पहले इसको डिस्चार्ज करें, ताकि किसी किस्म की भी इसके अंदर वोल्टेजेस ना हों। और उसके बाद इसकी रेंज सिलेक्शन करनी है आपने इसके हिसाब से कि आपके जो है वो रिक्वायरमेंट कितनी है। तो हमने 120 UF मेजर करनी है, तो 120 UF के लिए आपको 200 UF के ऊपर इसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, 200 के ऊपर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको नेगेटिव लीड को नेगेटिव पे लगाना है और पॉजिटिव को पॉजिटिव पे लगाना है। ठीक है, ये देखिए अब ये रीडिंग पढ़ रहा है, और इसकी डिस्प्ले भी हम अपने विजुअल के हिसाब से जो है वो ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, लेकिन हमारी विजिबिलिटी यहीं पर सही है, तो ये 108.8 UF हमारे ये रीड कर रहा है, 109 समझ लें इसको, तो ये 120 था। ठीक है, 120 का था, तो ये ऑलमोस्ट ठीक है। और इसकी जो परसेंटेज है वो हम देखते हैं कि परसेंटेज क्या है। अगर इस पे लिखी हुई है तो एम लिखी हुई है, ये एम आपको नज़र आ रहा है, तो ये 20% का है। 20% है, तो इसका मतलब ये है कि ये 100 से भी कम नीचे तक जा सकता है और 130 से भी ऊपर जा सकता है। अब हम आपको चेक कराते हैं दूसरे कैपेसिटर। अब ये देखिए हमने अपना मीटर जो है मैसटेक का MS6013 मीटर हम लेकर आए हैं, इससे हम चेक करेंगे ये वाला कैपेसिटर। इसकी टॉलरेंस भी एम है, यानी कि 20% है, 50 वोल्ट का कैपेसिटर है, और ये 2200 UF का है, यानी कि 2200 UF का है। तो सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे, इसको पहले डिस्चार्ज कर लीजिए। ठीक है, डिस्चार्ज करने के बाद इसको आप नेगेटिव लीड को नेगेटिव के साथ लगाइए और पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ लगाइए। ठीक है, देखिए तो ये पड़ रहा है 2.14, देखिए क्या है ये, चेक करते हैं इसको, मिली फेराड है। ठीक है, मिली फेराड है ये, तो इसका मतलब ये है कि ये किसको अगर यूएफ में बनाते हैं तो ये हो जाएगा 2140 UF, 2140 UF। इसके आप 20% निकालेंगे तो ये भी आपको विद इन रेंज मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से हम कोई और देख लेते हैं, एक कैपेसिटर और ले लेते हैं। ये कैपेसिटर हमारे पास है 1000 UF का। ठीक है, इसको हम पहले डिस्चार्ज कर लें, ये हमने डिस्चार्ज किया, डिस्चार्ज 1000 UF जो है हमारा इसके अंदर रेंज में आ जाएगा। तो इसको हम नेगेटिव के साथ नेगेटिव लगाते हैं और पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव लगाते हैं। ठीक है, ये देखिए 980 UF, ये 1000 UF का है, इट्स ऑलमोस्ट गुड। ठीक है, अब हमारा जो है ये सानवा का एनालॉग मीटर आ गया है, इसे हम चेक करते हैं। ये देखिए, इसको हमने रेजिस्टेंस के ऊपर रखना है, इसमें कैपेसिटर का फंक्शन नहीं होता, इसके ऊपर हमने रखा है इनटू मल्टीप्लाई बाय 1 किलो ओम के ऊपर रेंज पे रखा है,
ये इसकी लीड्स हैं, और आपको मैं पहले बताता चलूँ, पहले भी हमने मीटर्स के इंट्रोडक्शन बताया था कि इसके अंदर ये ब्लैक लीड होती है, इसमें पॉजिटिव वोल्टेज आउट होते हैं और रेड लीड के अंदर नेगेटिव वोल्टेज आउट होते हैं। तो इसी तरीके से हमने पोलैरिटी को मलहूज़े खातर रखना है। ये हमारा जो है इसको कैपेसिटर, इसको पहले शॉर्ट कर लेते हैं। शॉर्ट करने के बाद फिर हम इसमें क्या करेंगे कि लीड लगाएंगे, नेगेटिव के ऊपर हमने नेगेटिव लगाना है, जो कि नेगेटिव हमारा इससे आ रहा है, ठीक है। हमने नेगेटिव यहाँ पे लगाना है और ब्लैक लीड से हमारा पॉजिटिव आ रहा है, तो इसको ब्लैक लीड हम यहाँ लगाएंगे। तो हमारी नीडल एक मरतबा आगे जाएगी, जाने के बाद फिर आस्ता 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 डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगी। यही हमारा इसका एक रफ टेस्ट है। ये देखिए आगे गई और आराम आराम से ये देखिए डिस्चार्ज हो रही है, आराम आराम से ये डिस्चार्ज हो रही। ठीक है, देखिए एक और कैपेसिटर है ये हमारे पास, इसकी जो वैल्यू लिखी हुई है वो है 103, 103, और इसकी टॉलरेंस है जे जे जो टॉलरेंस है वो है ±5%, ठीक है। तो इसकी वैल्यू है 103, और 103 का मतलब ये है कि 10 ऐसे लिखा जाएगा, 3 इसके आगे जीरो लग जाएंगे, और जो नंबर बनेगा वो नंबर हमारा होगा पिको फेराड में। ओके, हम इसको देखते हैं 103, ठीक है, इज इक्वल टू 10, और उसके बाद 1 0, दूसरा 0, तीसरा 0, और ये हमारा हो गया पिको फेराड। तो पिको फेराड को अब अगर हम इन 3 0 को अगर ख़त्म करें तो ये हमारा बन जाएगा 10 नैनो फेराड। तो हमारी ये वैल्यू जो है 10 नैनो फेराड है, और चूंकि ये जे है, जे का मतलब ये है कि 5% ±। तो हम ये देखते हैं, इसको रीड करते हैं कि क्या पोजीशन है। सेम प्रोसीजर कि हमने इसको पहले शॉर्ट कर लेना है, ठीक है, इसको हमने शॉर्ट कर लिया। 400 वोल्ट का है, इसके अंदर भी ज़्यादा वोल्टेज हो सकते हैं, तो इसमें आपने पोलैरिटी का कोई मसला नहीं है, नॉन पोलर है। ये देखिए हम इसको लगाया, ठीक है, 9.8 नैनो फेराड, 9.8 नैनो फेराड आ गया। इसका मतलब है ये भी ठीक है, थोड़ा सा फर्क है लेकिन ओके। उसके बाद हम और कैपेसिटर चेक करते हैं। उसके बाद हमारा ये कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू है 222 के, और इसकी जो वोल्टेज है वो है 2 kV, यानी कि 2000 वोल्ट पे काम करने वाला है, और 222, इसको हम देखते हैं 222, ठीक है, 222, और ये है इसकी जो टॉलरेंस है वो है के। तो 222 का मतलब ये है कि 22 और 20 ये हमारे बन गए PF, और अगर हम इसको नैनो फेराड बनाना चाहेंगे तो ये यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा ए पॉइंट जो इसका, तो ये हो जाएगा 2.2 नैनो फेराड, और के की जो परसेंटेज है वो है ±10% इसकी टॉलरेंस है। तो हम अपने मीटर को 2.2 नैनो को लेकर आते हैं इस रेंज के ऊपर, यानी कि 20 नैनो फेराड के ऊपर। आपको यहाँ भी 20 नज़र आ रहा है, 20 नैनो फेराड इसकी रेंज है। उसके बाद हम इसको यहाँ लगाते हैं और देखते हैं कि 2.2 नैनो फेराड है या नहीं है। अगेन इसको शॉर्ट कर लीजिए एहतियातन, अमूमन इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, इनमें नहीं होता, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस आपने रखनी है। इसको हम चेक करते हैं, ठीक है, 2.2 नैनो फेराड के लिए ये देखिए ऑलमोस्ट 2 नैनो फेराड है, ये 1.99 का मतलब है 2 नैनो फेराड, ठीक है। देखिए ये हमारे SMD कैपेसिटर्स हैं, इनमें से एक कैपेसिटर हम निकाल लेते हैं, ये तकरीबन 33 PF के हैं, 33 पिको फेराड के हैं। तो एक हम इसमें से निकाल लेते हैं, ये हमने इसको यहाँ रख दिया, इसको हम बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, बहुत माइनर सा है ये, इसको डिस्चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है।
बहुत छोटी वैल्यू है इसकी, इंतहाई छोटी वैल्यू है। ये हमारा एसएमडी टेस्टर है, आप पहले इसको देख चुके हैं, ठीक है। और ये एसएमडी कंपोनेंट्स को चेक करने के लिए है। तो बहरहाल इसको हम यहाँ से कैपेसिटर को पकड़ते हैं, और ये देखिए 0.032 नैनो फेराड, 0.032। ओके, अब देखते हैं इसको क्या वैल्यू बनी। 0.032, 0.032 नैनो फेराड। तो हमारा ये कैपेसिटर जो था, ये था 33 PF, पिको फेराड का, 33 पिको फेराड का। तो पिको फेराड बनाने के लिए हमें 3 डिग्री इधर लेके आना पड़ेगा, इस पॉइंट को, डेसिमल पॉइंट को। एक और को हम देखते हैं एसएमडी टेस्टर के जरिए ही। देखिए 104, 104 का मतलब है, 104 का मतलब है 10 लिख के उसके आगे आप 4 जीरो लगा दें, ये आपके बन गए PF। और यहां से 1 2 3, तो ये आपका बन गया 100 नैनो फेराड। अगर आपने इसको UF बनाना है तो ये बन जाएगा 0.1 UF, और यहां पर हम जीरो भी लगा सकते हैं। तो इसको हम चेक करते हैं, एसएमडी टेस्टर से ही चेक कर लेते हैं, देखते हैं क्या हमें ये रीड करके देता है, ठीक है। ये हमारा ऑटो पे पड़ा हुआ है, और हम इसको यहाँ से पकड़ने की कोशिश करते हैं, बल्कि इसको हाथ में पकड़ लेते हैं। ये देखिए 83.7 नैनो फेराड, यानी कि 83.7 नैनो फेराड, 83.7 नैनो फेराड, यानी कि इसको 100 नैनो फेराड होना चाहिए था और ये 83 नैनो फेराड है। तो अगर ये 20% का हो तो ये 80 नैनो फेराड तक आराम से एक्सेप्टेबल है। तो बहरहाल ये हमने चेक कर लिया। उसके बाद एक और है हमारे पास कैपेसिटर, ये देखिए 105, 105 जो है इसका मतलब ये है 10 और उसके बाद 5 हमारी जीरो आ गई, ये हमारे हो गए PF, ठीक है। ये हमारे हो गए 1000 नैनो फेराड, और ये हमारा हो गया 1 UF। तो ये हमारा IDM 303 मीटर से हम इसको कैपेसिटेंस पे चेक करते हैं, और ये हमारा जो है वो कैपेसिटर है। बेहतर ये है कि इसको फिर भी एहतियातन शॉर्ट कर लिया जाए ताकि किसी किस्म की वोल्टेज इसमें ना रहे। और इसको हम चेक करते हैं, लगा के देखते हैं क्या रीडिंग आती है। रीडिंग इसकी 0.944, 0.945 UF, 0.0.946 UF, ठीक है, ऑलमोस्ट 1 UF के नज़दीक है। देखिए अभी बारी आ गई हमारी ESR मीटर की। तो ये इसका मॉडल नंबर है MESR100, ESR मीटर है। इसको थोड़ा इंट्रोडक्शन करा देते हैं आपको, कि ये देखिए ये इसकी डिस्प्ले है। 100 किलो हर्ट्ज़ का सिग्नल जो है ये जनरेट करता है और कैपेसिटर को देता है इसको चेक करने के लिए। और जैसा कि मैंने बताया था कि इसको आप कैपेसिटर को सर्किट में लगे हुए भी टेस्ट कर सकते हैं, ताकि आपको परेशानी ना हो कि उसको कैसे निकालें और वगैरह, सर्किट ख़राब ना हो। इसको लगाते हुए, लगे हुए इस PCB के अंदर अगर कैपेसिटर लगा हुआ है तो आप इसको लगा के और चेक कर सकते हैं। ये इसका पावर का बटन है, ये इसके सेल्फ ज़ीरो करने का है, इसके मोड की रेंज है मैनुअल और ऑटो की। उसके बाद यहाँ पर इसकी लीड्स लगती हैं, यहाँ पर भी आप कैपेसिटर इंजेक्ट कर सकते हैं। और ये इसका जो है चार्ट है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी कंपनीज हैं चार्ट बनाने वाली, ये अपना ESR मीटर बनाने वाली, तो वो अपना एक चार्ट देती हैं, स्टैंडर्ड
वर्स्ट केस इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर ESR टेबल, उसके UF कितने हैं, ये इसके कैपेसिटेंस हैं और ये उसके वोल्टेजेस हैं। तो इनके अगेंस्ट आप जो है वो देखते हैं कि इसकी ESR कितनी बनती है। मिसाल के तौर पे हमने जो है जो कैपेसिटर सेलेक्ट किया है वो सेलेक्ट किया है 220 UF 25 वोल्ट। तो हमने क्या देखना है कि 220 UF पहले देखना है, 220 UF हमारे ये है और हमारे हैं 25 वोल्ट, 25 वोल्ट ये है। तो हमारे जो ESR आनी चाहिए वो 0.23 आनी चाहिए, ठीक है। इस कैपेसिटर की जो ESR है जिसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस, तो इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस मकसद ये मतलब ये होता है कि सर्किट में जब ये कैपेसिटर लगेगा तो सर्किट के अंदर कितनी रेजिस्टेंस ये सर्किट को करंट को देगा, ठीक है, जिसको हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी कह सकते हैं। बहरहाल ये वो रेजिस्टेंस है जो कि सर्किट के अंदर जब करंट गुजरेगा, इसके थ्रू करंट गुजरेगा तो कितनी रेजिस्टेंस ये देगा, और वो जो कहलाती है ESR, और इसके लिए जो है वो 0.23 ओम, ठीक है। ESR की जो रीडिंग आएगी वो ओम के अंदर होती है चूंकि ये रेजिस्टेंस होती है। तो चलें अब हम इसके अंदर अपनी लीड्स लगाते हैं, नेगेटिव पे नेगेटिव, ब्लैक वाली, पॉजिटिव पे पॉजिटिव। उसके बाद इसको हम ऑन करते हैं, इसको पावर को बटन को थोड़ा सा ऑन करके रखें, ठीक है। ये इनिशियलाइजेशन हो रही है इसकी, इसकी रीडिंग आ गई, ठीक है, रेफरेंस फॉर ये। और अब हम क्या करते हैं कि इसको जो है वो ज़ीरो कर लेते हैं। ये देखिए इसको ये हमने ज़ीरो कर आपस में टच किया, और टच करने के बाद ज़ीरो नहीं है तो हमने इसको ज़ीरो कर लिया। ज़ीरोइंग प्लीज़ वेट शॉर्ट टेस्ट लीड्स, ठीक है, ये ज़ीरो ज़ीरो हो गया, ओके। अब हम इसको यहाँ से हटा लेते हैं और उसके बाद इसके हम पहले इसको शॉर्ट कर लेते हैं जैसा कि हमें करना चाहिए। फिर ये नेगेटिव के साथ नेगेटिव लगाते हैं और पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, और फिर देखते हैं कि ये क्या रीड कर रहा है। 0.222 जो है वो रीड कर रहा है जबकि हमारी रीडिंग होनी चाहिए थी 0.23। तो 0.23 और 0.22, दैट इज 0.23 है, अगर 5 को राउंड ऑफ करें तो 0.23 ही हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा कैपेसिटर बिल्कुल ओके है। तो इस तरीके से हम ESR मीटर को यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको दिखानी थी, बतानी थी, तो इसलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद है कि आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा और आपको कैपेसिटर के बारे में काफ़ी मालूमात मिली होंगी, कैसे टेस्ट करते हैं। तो अपनी दुआओं में याद रखिए, और ये जो वीडियो है आपके जो जानने वाले लोग हैं जो कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक से वाबस्ता हैं, मेंटेनेंस से वाबस्ता हैं, इंजीनियरिंग से वाबस्ता हैं, उनको आप लाजमी फॉरवर्ड करें, उनको शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।